क्रिकेट से क्रिकेट तक पे आपको खुशांदित कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है साउथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो कि डिसीजन ले लिया गया है, टीम मैनेजमेंट डिसाइड हो चुकी है और डायरेक्शन भी सेट कर ली गई है। बिल्कुल फ्यू ईयर्स में पाकिस्तान की टीम किस डायरेक्शन, किस लाइन पर चलेगी, बिल्कुल डिसाइड हो चुका है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे और हम आपको बताएंगे इंग्लैंड कब पाकिस्तान में लैंड करने वाली है। बिल्कुल तारीख हम आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे वर्ल्ड कप के बाद एक दफा फिर से बड़े बड़े मुकाबले शुरू होने बड़े बड़े मुकाबले शुरू होने वाले कल से। बिल्कुल किसके खिलाफ खेलेंगे, इस हवाले से हम आपको देंगे अपडेट। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक। सब्सक्राइब लाजमी करें। साउथ, जैसे कि हम बात चल रही थी कि बाबर आजम की कप्तानी जा सकती है, रमीज राजा सैक हो सकते हैं, तो ये सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। बाबर आजम एज यूजल तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम की क्यादत करेंगे। आज जिस तरह की खबरें आ रही थी कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद के बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए या उनसे ले ली जाएगी, रमीज राजा का भी काफ़ी मसले चल रहे थे, लेकिन रमीज राजा और बाबर आजम की तरफ से ये है कि वो अभी फ़िलहाल कैप्टनसी करेंगे और वो चेयरमैन सीट संभाल के रखेंगे। तो तीनों फॉर्मेट में अभी फ़िलहाल बाबर आजम कैप्टन ही है, ठीक है, वो कैप्टनसी करते हुए नज़र आएंगे। अब बात करेंगे जो हमारे पास बातें आ रही है हेड कोच की, सिकलेन मुश्ताक, मतलब बैटिंग कोच बॉलिंग कोच, इनके हवाले से जो बात आ रही है, अब ये कब तक करेंगे, ये सवाल है बड़ा। अब बताते चलें, हमारे हेड कोच जो बॉलिंग कोच भी सिकलेन मुश्ताक की, बिल्कुल, एक्सटेंशन जो खत्म हो रही है वो फरवरी में खत्म हो रही है और ऑलरेडी वो बयान दे चुके हैं कि वो अपना ओहदा तौसी नहीं कर सकते। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इस्लामाबाद में स्टेट एजेंसी का वो बिजनेस, बिल्कुल है, बिजनेस तो कोई इनकी खास वजह नहीं है, वो तो अभी भी कर ही रहे होंगे, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है बंदे उन्होंने छोड़े होंगे, लेकिन जो उनका मसला है ना फैमिली इशू है, क्योंकि देखो फैमिली बच्चे वगैरह पढ़ ले तो वो वर्ल्ड टूर पे लेके नहीं जा सकते, जहाँ पाकिस्तान की टीम जाए तो फैमिली के बगैर नहीं रह सकते। तो ये फिलहाल एज भी हो गई तो उनकी फैमिली का भी हक बनता है उनके ऊपर। बिल्कुल, अब जब अगर वो पाकिस्तान की टीम में हेड कोच कर रहे हैं ना, तो साल में 9 महीने टीम के साथ बिल्कुल वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं। अब बहरहाल 3 महीने है उनके, जो भी है 2-3 महीने अब वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे आप न्यूजीलैंड सीरीज ले लो और इंग्लैंड सीरीज ले लो, बस ये 2 सीरीज में पाकिस्तान के साथ होंगे, उसके बाद सवाल उठता है कि कौन आएगा। बताते चले, सिकलेन मुश्ताक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंडी फ्लावर से या गैरी स्टेट और इंडिया को एक रिप्रेजेंट कर चुके हैं अफ्रीका के कोच थे गैरी क्रिस्टन, जिनके अकेडमियां भी बनी हुई है इंडिया में, बिल्कुल अकेडमी बनी हुई है। इन तीन को पाकिस्तान अप्रोच करेगा पाकिस्तान की हेड कोच के लिए, जो कि अभी अर्ली है, जब दिन करीब आएंगे एंड में पता लगेगा। देखो पाकिस्तान का कुछ भरोसा नहीं है, क्रिकेट में इनका कुछ नहीं पता था कि लास्ट मोमेंट पे आके क्या चेंज कर देते क्या कर देते, पर इतना तो पता है कि जो भी कोच होगा वो फॉरेन कोच होगा, क्योंकि रमीज राजा चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को कोई गोरा, बिल्कुल गोरा करेगा तो आपकी क्रिकेट तेज होगी, अगर पाकिस्तान ही करते रहेंगे तो फिर एशिया के मुताबिक आप खेलोगे, गोरों को आना चाहिए। मैं समझता हूँ, जैसे इंग्लैंड ने ब्रेंडन मैकलम को पिक किया हुआ है, जाहिर सी बात है इंग्लैंड ने माइकल हसी को उठाया हुआ है, ऐसी हम भी इनका कोई हार्ड हिटर प्लेयर उठा ले। अगर माइकल हसी इंग्लैंड को रिलीव करते हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि माइकल हसी को उठा लें। देखिए एक अटैकिंग माइंडसेट वाले जो प्लेयर होते हैं ना, हाँ, उनकी कोचिंग से बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अटैक करने वाले प्लेयर होंगे पाकिस्तान की टीम को कोच करेंगे तो पाकिस्तान की टीम में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। और जो हमारे पास दूसरी खबर आ रही है इंग्लैंड टीम कब 27 नवंबर को इस्लामाबाद में लैंड करने वाली है, बिल्कुल एक दिन रेस्ट करेगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन 29 तारीख से प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे, 2 दिन प्रैक्टिस सेशन होंगे, 2 दिन होंगे मेरे ख्याल से, फिर 31 को रेस्ट होगा, फिर 1 तारीख से मैच स्टार्ट हो जाएगा। पहला मैच रावलपिंडी में मुल्तान में कराची में शिफ्ट कर दिया गया है। चलो ये तो अच्छी बात है, कराची में शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों मैच मुल्तान वाला तो है, रावलपिंडी वाला कराची में शिफ्ट कर दिया गया, तो शिफ्ट हो गया। इस हवाले से जो आ रही अपडेट, लाइकली 27 नवंबर को इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी और 1 दिसंबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड की, ये भी बता दे शुरू हो जाएगी कि क्या वजह है जो कराची में शिफ्ट किया गया, वो वजह भी हम आपको बता दे। लॉन्ग मार्च की वजह से, जो कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च चल रहा है, सियासी
अनस्टेबिलिटी की वजह से इस टेस्ट मैच को कराची में शिफ्ट किया गया है। जो हमारे पास अब नेक्स्ट खबर आ रही है बहुत ही धमाकेदार क्रिकेट की खबर आ रही है। बताते चले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सबसे टाकरे का मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखा जाता है जो वर्ल्ड कप में नहीं हो सका, अफसोस रहा, मैं देखना चाहते थे। तो बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन अब जो कल से बड़े मैच जो गैप आए थे वर्ल्ड कप के बीच तीन चार दिन के, अब बोरियत आ गई थी। क्रिकेट के बगैर कसम से जिंदगी अधूरी है, मजा नहीं आता, बोर नहीं होते। हाँ बोर नहीं होते फिर तो जाहिर सी बात है। आपको बताऊं मैं पाकिस्तान के हर मैच के हाईलाइट देखता हूँ, तो जाहिर सी बात है तीन मैच ऐसे हो गए जिनकी मैंने अभी तक हाईलाइट नहीं देखी। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल, एक पाकिस्तान और इंग्लैंड के, इन तीन मैचों को मैंने अभी तक हाईलाइट नहीं देखी, देखना भी नहीं चाहता। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के सेमीफाइनल भी तो नहीं देखा, वो यार फेसबुक पे कहीं ना कहीं से आ ही जाता है देखना। वो तो जाहिर सी बात है कुछ है बस, ठीक है। जो कि बहुत ही एक्साइटिंग मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत हावी है इंग्लैंड, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत हावी है। तो हेड टू स्टेट बताया, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का अगर मैच होता है कौन फेवरेट है कल के स्टेट के हिसाब से? देखो फेवरेट तो मैं ऑस्ट्रेलिया को ही कहूंगा, मैंने आपको तीन चार दिन पहले बिहाइंड द सीन बोला हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा, इनसे बदले लेने वाला डुबो डुबो के, टी ट्वेंटी सीरीज भी मारी है इनको। तो ओवरऑल जो इनके दरमियान जो मैच खेले गए ना, 152 मैचेस खेले गए ओवरऑल का, मतलब पूरी दुनिया में चाहे एशिया की हो या यूरोप की कहीं भी हो, उसमें से 84 मुकाबले ओडीआई का बता रहे, 84 ओडीआई ऑस्ट्रेलिया जीता है और 63 इंग्लैंड जीता है और 5 सिर्फ टाई हुआ है। तो कितना फर्क है फराज, और अभी तीन और खेलने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत फेवरेट है भाई, और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। ऑस्ट्रेलिया में जो उनके स्टैट्स हैं जरा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इनके हेड टू हेड है ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत बुरा हाल है इंग्लैंड का। 71 मैचेस खेले गए, 45 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, 45 मैच 25 मैच इंग्लैंड जीता है, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है और एक टाई हुआ है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है अगर देखा जाए तो, वाकई में ही बहुत फर्क है। फरार ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ साइड है, सिवाय इंडिया इनको बहुत बिल्कुल अच्छा वर्ल्ड कप में इनका बैट लक हो गया था। वो कहते ना क्रिकेट में लक होना चाहिए, वरना फेवरेट यही थी। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो 8:20 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा, और जो अगला उससे ब्लॉकबस्टर मैच होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बताता चलूं पिछले साल इंडिया ने न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप किया था, व्हाइट वॉश किया था, न्यूजीलैंड नहीं इंडिया गई थी, इंडिया गया था न्यूजीलैंड, हाँ तो न्यूजीलैंड गया था ना इंडिया वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही। अरे उससे पहले भी इंडिया गया था न्यूजीलैंड में, अच्छा अच्छा वो पहले गया था ना, मैं वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप के न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड में इंडिया ने जाके न्यूजीलैंड को 5-0 से सीरीज मारी थी, और उस सीरीज में 2 सुपर ओवर हुए थे और दोनों सुपर ओवर टीम साउथी ने किए थे, और दोनों मैचों में इंडिया जीता था। बहुत ट्रेंट बोल्ट को दे देना चाहिए था, मैं तो समझता हूँ, बस इस बार डिफरेंस ये है हार्दिक पांड्या इंडिया। अब देखते हैं हार्दिक पांड्या की लीडरिंग कैसी होती है, उनकी कैप्टनसी कैसी होती है, कल पता लगेगा। वो तो देखो एक फ्रेंचाइज को करना छोटी सी बात है, हार्दिक पांड्या अच्छे कप्तान है, कैप्टन अच्छे है, अब कल और पता लगेगा। देखो न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ कैप्टनसी करना, ये पता लगने वाली बात है फराज। और न्यूजीलैंड भी कोई अभी तपा हुआ ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी सही तपाई भी है, ट्राई सीरीज मारी तो क्या होता इंडिया से बदला ले इंडिया के। असल में तीन बड़े बड़े प्लेयर भी आउट हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया को इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग है उनके पास यार, जो प्लेयर आए हैं वो भी बहुत अच्छे, और मैं तो समझता हूँ उन तीनों से अच्छा है विराट कोहली को हटा के, उन दोनों से अच्छा है रोहित शर्मा और राहुल से। मैं अगले 2024 के वर्ल्ड कप में ना इंडिया की तरफ से ना कोहली को खेलता देख रहा हूँ, ना राहुल को देख रहा हूँ, ना रोहित को देख रहा हूँ, शायद कोहली हो, लेकिन राहुल राहुल शामी और राहुल रोहित शर्मा ये तो नहीं है पक्के। अच्छा ये बताएं जो सुबह इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होने आ रहा, कौन फेवरेट है? यार इंडिया फेवरेट है, इंडिया फेवरेट है। न्यूजीलैंड के मोरल थोड़े से डाउन है अभी उनके। आज एक अच्छी सी एक छोटी सी क्लिप भी आई थी कि जो उनके कैप्टन है हार्दिक पांड्या और ट्रॉफी जो गिरने लगी थी, तो उनके कैप्टन न्यूजीलैंड के लेके भाग रहे थे, केन विलियमसन ने किए, अब ये देखो तो लेके भी भाग रहे थे वो। चले आपसे चाहेंगे ज्यादा क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।